नया साल शुरू होने वाला है, आपने अपने फिटनेस गोल या रेजोल्यूशन बना लिए होंगे जैसे आपने पिछले साल भी बनाए थे, लेकिन इस बार मेरे कहने पे एक चीज डिफरेंट करना, अपने गोल रियलिस्टिक बनाना। बहुत बड़े गोल मत लेके चलना क्योंकि उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोच के चलोगे कि इस साल आपको 40-50 केजी वेट लॉस करना है या आपको अगले 3 महीने में 20 या 30 केजी वेट लॉस करना है, तो शायद आप फेल कर जाओ, क्योंकि जो आपकी पुरानी आदतें थी उसमें से एकदम से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि प्रोडक्ट गोल यानी कि 5 केजी, 30 केजी, 40 केजी की बजाय फोकस करना प्रोसेस गोल पे, यानी कि आपको जनवरी के मंथ में 15 या 20 दिन एक्सरसाइज करनी है और आपको हफ्ते में या 4 या 5 दिन या रोज के 3 या 4 हेल्दी मील्स खाने हैं। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करोगे, अपने को 50% इंप्रूव देखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंस इसको और बेटर करने में आपको हेल्प करेगा। आपका आदतें और लाइफस्टाइल चेंज हो गई आपके नए रेजोल्यूशन की वजह से, तो आपका वेट या आपकी फिटनेस डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। एक बात और, जो भी प्लान या गोल आप लेके चल रहे हो उसको अभी से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट मिनट तक उसके फेल होने के बाद शायद आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। अगर आपको जिम की मेंबरशिप लेनी है, आपको कोच हायर करना है, आपको जिम अटायर बाय करना है, अभी से वो सारी चीजें शुरू कर दो ताकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ सके। होप दैट हेल्प्स।